हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम बेसिक ऑफ पाइथागोरस थ्योरम समझेंगे। आपकी जो एक्सरसाइज 12.3 है, 12.2 अपन खत्म कर चुके हैं, सॉरी 12.1 अपन खत्म करेगा, 12.2 शुरू करनी है। तो 12.2 में फर्स्ट क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन का जो बेसिक आएगा वो थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर रहेगा। तो उस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं आपको थोड़ा पाइथागोरस थ्योरम करवाऊंगा ताकि क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए, क्वेश्चन क्या है आपका, स्टेटमेंट समझेगा। तो क्या हुआ कि पाइथागोरस नाम के साइंटिस्ट हुए, तो उन्होंने क्या करा था कि इसे ट्रायंगल के अंदर, जैसे मैं आपके सामने डायग्राम बना के बताता हूं, जैसे कि ये ट्रायंगल लिया और यहां पे ये एंगल बनाया करेगी 90 डिग्री, कितना एंगल आपका 90 डिग्री। तो उन्होंने क्या देखा कि ये जो 90 डिग्री की जो साइड है, ये दोनों साइड है, तो उन्होंने क्या देखा कि अगर यहाँ पर एंगल 90 डिग्री बनता है, ठीक है, तो उन्होंने बोला इसको नाम दिया बेस, ये आपका परपेंडिकुलर और इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं इसको? हाइपोटेनस। तो ये आपका बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये साइड कौन सी हो जाएगी? हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस ने क्या देखा कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि 90 डिग्री एंगल आपका, तो कौन सा ट्रायंगल आपका? राइट एंगल ट्रायंगल। तो उन्होंने क्या देखा कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, तो उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया कि मान लो कोई राइट ट्रायंगल हो जाए, कौन सा ट्रायंगल हो जाए? राइट ट्रायंगल हो जाए, आपका राइट ट्रायंगल है। तो बोला है पाइथागोरस ने क्या स्टेटमेंट दिया, इन अ राइट ट्राइंगल, इन अ राइट ट्राइंगल के अंदर, ये राइट ट्राइंगल आपका, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस, यानी हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा, ध्यान समझिएगा, जो बोल रहा है वो समझिएगा, उसने क्या बोला, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस, यानी किसका स्क्वायर करना है? हाइपोटेनस का। ये लिख दिया मैंने हाइपोटेनस को, उसका स्क्वायर हाइपोटेनस इज इक्वल, वो क्या होगा? इक्वल होगा, इक्वल होगा। अब किसके इक्वल होगा? टू द सम ऑफ, सम यानी प्लस का साइन, किसके सम के? स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड, यानी इस हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो सम होगा बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के। ये किसने बोला? पाइथागोरस ने बोला, यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये स्टेटमेंट दिया। किसने दिया स्टेटमेंट? ये पाइथागोरस ने, किसने दिया? पाइथागोरस ने। तो क्या बताया उन्होंने पाइथागोरस ने कि हमेशा इस हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। ये पोस्ट थ्योरम आपकी पाइथागोरस थ्योरम है। ओके, ये बात क्लियर हो रही। यानी अगर मैं यहां पर इसकी नेमिंग करूं कि जैसे ये ए हो जाए, ये बी हो जाए, और ये क्या हो जाए? सी हो जाए। तो अगर मान लो मैं नेमिंग कर दी, नेमिंग में यहां पर ए बी और सी दे दिया, जिसमें बी क्या आपका राइट एंगल है ना, बी कितना एंगल बनता है यहां पर? 90 डिग्री। तो यहां पर अगर नेमिंग करूं मैं, तो जैसे हाइपोटेनस, अब यहाँ पर हाइपोटेनस देखिए क्या है, ए से लेकर सी, ए और सी आपका हाइपोटेनस है, तो मैं लिखा हाइपोटेनस ए और सी और पूरे का स्क्वायर है तो स्क्वायर। ऐसे बेस, बेस क्या है? बी और सी, तो रखा बेस की जगह बी और सी और पूरे का होल स्क्वायर। ऐसे परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर क्या है? ए और बी, तो रखा ए और बी और पूरे का होल स्क्वायर। ओके, याद रखिए। तो ये जो थ्योरम है, ये किस थ्योरम का नाम दिया जाता है? पाइथागोरस थ्योरम। इस थ्योरम का बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो थोड़ा सा बेसिक है, इसका यूज अपन किस में करेंगे? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में करेंगे। ओके, और ये थ्योरम कहां पर लगती है? जब आपका एंगल कितना डिग्री बनता हो? 90 डिग्री। वो ये कौन सी थ्योरम लगेगी वहां पर? पाइथागोरस थ्योरम। ओके, यानी इस थ्योरम का यूज क्या होता है? कभी मान लो परपेंडिकुलर दे दे, बेस दे दे, हाइपोटेनस फाइंड करना हो तो इस थ्योरम से अपन फाइंड कर सकते हैं, या मान लो दोनों साइड दे दे, ये साइड दे दे, फाइंड करना हो तो भी अपन इसे फाइंड कर सकते हैं। ओके,
इस थ्योरम को क्या बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो आप इस थ्योरम को बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा, और अब मैं आपको अगले वीडियो में पहला क्वेश्चन फर्स्ट नंबर जो 12.1 फर्स्ट क्वेश्चन वो समझाऊंगा। ठीक है।